कृपा करके अनुरोध है बच्चे इस ट्रेलर को ना देखें। तो वेलकम टू अनदर वीडियो रास्टर। आज से सालों पहले आपने एक इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर का नाम सुना होगा जो आज भी कायम है, जिसका परचम आज भी लहराया जाता है, औरतों का लोहा मनवाया इंडस्ट्री में, वो और कोई नहीं है, वो है एकता। हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर, जिसने सालों पहले कई संस्कारी सीरियल बनाए थे और अब कई सारी वेब सीरीज और हॉट सीरीज बनाती हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पे कहर ढा रखा है जिन चीजों ने। उनका चैनल है ALT बालाजी के नाम से। ये प्रोड्यूसर कितने सालों पहले बहुत सारे संस्कारी सीरियल बनाया करती थी, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की कहानी, घर घर की। पर अब इन्होंने जो वेब सीरीज और चैनल खोला उसमें ये बहुत बढ़िया सीरीज बनाती है, इतनी बढ़िया सीरीज बनाती है कि मतलब देख के अच्छे अच्छे सक लौंडे तक पिघल जाएं। आजकल ये पिक्चरें और वेब सीरीज बनाती हैं, जैसे एकता कपूर ने बहुत सारी सीरीज बनाई है, जैसे रागिनी, MMS रिटर्न्स, देवडी, गंदी बातें और विशेष भट्ट का भी इस तरह की सीरीज बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। ये वही लोग हैं जो हमारी डेस्परेशन में हमारा साथ देते हैं। ये तो सनी लियोन है, मियाँ खलीफा, ये सब तो हमें अधर में बीच में छोड़ के चलेगी। आजकल हम जैसे डेस्परेट लोंडो का बस यही और तो यही तो एक सहारा है कि हम पॉन में कुछ वैरायटी देख सकें। आदमी रोज दाल चावल, रोटी दाल कब तक खाएगा, कभी सिर्फ मटन कोरमा, चिकन बिरयानी सब कुछ चाहिए होते हैं। हमारा जो हमारे दिल का साथ सिर्फ यही लोग समझते हैं। इन लोगों को अगेंस्ट जाने का कोई फायदा नहीं है, कौन साथ देगा हमारा, हमारे अकेलेपन के यही लोग साथ हैं। हे भगवान, इनकी उम्र बहुत लंबी करियो, इन लोगों का ही सहारा है बस। आप ही से तोड़ेंगे इसका, उसमें पहला डायलॉग है कि आप अपना व्रत कैसे तोड़ेंगे अपना व्रत। करवा चौथ पे तो तुम लोग सालों पलंग भी तोड़ डालोगे, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अच्छी सोच रखो, अच्छी सोच तभी देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। जब तुम ही नहीं बदलोगे तो देश का घंटा बदलेगा। ससुर जी, हमें भी प्यास लगा। दूसरे सीन में ससुर जी कहते हैं मुझे प्यास लगी है। ये वो प्यास नहीं है, ये वही प्यास है जो तुम लोग सोच रहे हो। और हाँ, जो जिनको समझ आ गया वो लाइक ठोक दो, और जिनको नहीं समझ आया वो जाके पोगो देख सकते हैं, वीडियो छोड़ के चले जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, वीडियो छोड़ के कोई नहीं जाएगा, वीडियो देख के ही जाना। बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में। उस रात नागराज हमारे साथ जबरदस्ती किया। सांप जबरदस्ती किए? और अगले सीन में ये मोटी औरत कह रही है कि नाग ने इसके साथ जबरदस्ती करी। अरे आपको क्या लगता है, जिस जीव जंतु को भगवान ने ना हाथ दिए हैं, ना पांव दिए हैं, ना उसको कान दिए सुनने के लिए, ना उसको बाल दिए हैं, वो बेचारा कैसे जबरदस्ती कर पाएगा? कैसे? वो कोई साला जानी दुश्मन वाला सांप थोड़ी है कि अपने आपको कुछ भी बना के कुछ भी चेंज करके कभी गाड़ी बन जाएगा, कभी कभी चल चलते बाइक आ जाएगी। मतलब कैसे, क्यों 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 जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो? पेटा वालों कहां मर गए तुम सब? जब सांप पे ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा था, ऐसा इल्जाम लगाया गया, पेटा वालों आओ केस करो इन पे। आपको देख के लगता है सामने इसके साथ जबरदस्ती होगी? इतनी बड़ी मोटी हथनी औरत को देख के आपको लगता है? ये तो डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से निकाली थी अपने माँ बाप के पेट से, इस मोटी, ये मोटी अगर एक बार सांप पे चढ़ गई ना, ये सांप इस पे चढ़ गया तो कसम से कह रहा हूँ, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, चाहे मोटी सांप पे गिरे, या सांप मोटी पे, मरेगा एट द एंड सांप ही। जो एक रात के बाद अगर आप लोग उठ रहे हो, आप कोई लड़का हो या लड़की हो, अगले दिन आप सांप बन जाओ, आपके सुबह बाथरूम जाना तो दूर की बात है, टट्टी तक के वांदे हो जाएंगे आप लोगों के। प्रीतो जितना मजा देती है उतनी ही सजा भी देती है। प्रीतो कितना मजा देती है? अरे आप इसको गलत वे में ले गए हो। जितना प्रीतो कितना मजा देती है उतनी सजा देती है। इसका मतलब है कर्मा इज ए बिच, जो गलत आप करोगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक लाइक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर कोई और वीडियो जो कोई रोस्ट करवानी है कुछ है, तो आप उसका लिंक चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।